तो भाई राजेश या ब्रो कहाँ जा रहे हैं हम? अपने भाई लोगों के लिए और आपकी बहन लोगों के लिए वीडियो शूट करने जा रहे कहाँ हैं। पर? हम जा रहे हैं वीडियो शूट करने एक बहुत ही जबरदस्त हॉन्टेड लोकेशन पे जिसका नाम है रचाउल विलेज फोर्ट गेट। फोर्ट गेट। सही बात है, की स्टोरी कुछ इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ वो नहीं बहुत, बहुत बट वो अभी नहीं बताएंगे, आगे चल के बताएंगे। अभी चल रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं मैं, आगे चल रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वहां पे। थोड़ी देर लगेगी, अभी 10 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा। तो एक बार ना आपको ये 10 मिनट में से 1 मिनट में बाहर का दिखाता हूँ क्या सिस्टम है। बाकी 9 मिनट नहीं दिखाएगा, बाकी 9 मिनट फास्ट फॉरवर्ड में जाएंगे, ठीक है? नहीं तो आप बोर हो जाओगे दस बाकी नौ मिनट मिनट के पैसे नहीं दिए ना तुमने। जो किंग तो रे जो किंग। बाहर का इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बाहर की जो रोड है ना एनवायरनमेंट। वो ऐसी रोड है, मतलब बंदा ना डरे तो भी डर जाए, हाँ जिसको भूत का ना भी पता हो ना, यहाँ भूत है या कोई अफवाह है, वो भी डर जाए, ऐसी रोड है। तो यार रास्ता देखो, ना बंदा ना बंदे की जात, बस एक गाड़ी, सुनसान रास्ता, दो लौंडे गाड़ी में इस सुनसान रोड पे अकेले चल रहे हैं। तो लो जी साहब, पहुंच चुके हैं रचोल गांव में, और वो भी उस लोकेशन पे जहां पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेन गेट है, एक फोर्ट आगे जाके उसका एंट्रेंस है। जो भी यहां पे हॉन्टेड स्टोरी है ना, वो सब यहीं से रिलेटेड है, इसी गेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हॉन्टेड स्टोरी सुन लो क्या है, उसके बाद दिखाते हैं आपको सारा सिस्टम यहाँ का। तो वीडियो को बीच में थोड़ा सा कट कर रहा हूँ भाई, रीज़न ये है कि जो स्टोरी बताई थी ना वहाँ पे खड़े होके, उस पूरी क्लिप के अंदर साउंड नहीं आई है, और ये चीज़ मुझे अब पता चली जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ठीक है? तो स्टोरी बतानी तो ज़रूरी है, अब बता देता हूँ स्टोरी। बस वो स्टोरी बताने वाली क्लिप में साउंड नहीं आई है, बाकी पूरी वीडियो, आगे की पूरी वीडियो वही है जो वहाँ पे शूट करी थी। स्टोरी यहाँ की ये है कि जब पोर्तुगीज का टाइम था ना, जब रहते थे वो यहाँ पे गोवा में, तो सीन क्या था, यहाँ पे ना फोर्ट है एक, अब तो वो क्रिश्चियंस का स्कूल बना दिया है, वो फोर्ट था पहले। जैसे जिस गेट के पास हम खड़े थे ना, उस गेट पे ना एक गार्ड था, ठीक है, या सिपाही बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो वहाँ पे ड्यूटी दिया करता था। तो उसको ना, मतलब वो जगह बहुत पसंद थी, बहुत प्यार था उसको उस जगह से, और वो अपनी ड्यूटी ना बहुत ईमानदारी से और पूरी लगन के साथ अपनी ड्यूटी करता था। फिर ऐसा हुआ कि थोड़े टाइम बाद ना उसको ना कहीं और शिफ्ट कर दिया था कि भाई आप अब दूसरी जगह पे ड्यूटी दो, ठीक है, किसी और फोर्ट में भेज दिया था। लेकिन उसको इतना प्यार था कि वो गया नहीं वहाँ से, और उसने मतलब अपनी आखिरी सांस भी वहीं पे ली थी, वहीं पे वो मरा था। और ऐसी फिर उसके बाद में स्टोरी हो गई कि उस बंदे की ना जो स्पिरिट है वो आज भी यहाँ पे ड्यूटी देती है, और जो भी यहाँ से बिना परमिशन के अंदर जाता है ना, आज की बात बता रहा हूँ एट प्रेजेंट की, उसको उसकी स्पिरिट आज भी रोकती है, उससे पूछती है कि आपको क्या काम है, क्यों जा रहे हो अंदर, और अगर उसको लगता है कि हाँ राजा वाजा ने इनवाइट करा हुआ है इसको, तब वो जाने देता है, अदरवाइज वो वापस भेज देता है। तो हम भाई, हम तो यहाँ इलीगली घुस रहे हैं, हमको किसी राजा ने नहीं बुलाया, कुछ नहीं करा। एक बार पैदल घुसते हैं, एक बार गाड़ी से घुसते हैं, दो चार बार घुसते हैं, क्या पता हमें बोले वो ना जाने के लिए, रोके टोके नहीं 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 चलो। तो ये लुक देख लो सबसे पहले तो इस गेट का, भाई साहब बड़ा औसम लुक है, ये पेंट काफ़ी अच्छा करा हुआ है, वरना ये पहले देखो पहले ऐसा था, जैसा ये रंग है ना ऐसा ही इसका रंग था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले इसको रेनोवेट करके ना स्टाइलिश बना दिया है। और यहाँ से एंटर कर रहे हैं भाई, आजा, कोई रोक टोक करता है क्या कोई स्पिरिट? पहले दिखा देते हैं ऊपर भी, देख लो एक बार, ये देखो कैसा बना हुआ है ये देखो। तो यहीं पे ना जैसे ये देख लो, ये छत बना रखी है पूरी प्रॉपर, तो जो भी सिपाही विपाही होते थे, जो ड्यूटी पे होते थे, वो यहाँ पे खड़े रहते थे आराम से, भीगते नहीं थे बिल्कुल भी। और जैसे एक बंदा यहाँ खड़ा हो गया, दूसरा बंदा खड़ा हो गया इस साइड में, ठीक है, दोनों ऐसे खड़े हैं, वहाँ सामने से कोई आ रहा है उसकी चेकिंग करते हैं, तो हम भी वहीं से आए हैं। सामने देखो ये हमारी गाड़ी है, इसकी लाइट जलती हुई छोड़ के आए हम, ताकि सबको पता रहे कि वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, अगर कोई बाई चांस आ जाए तो। तो ये देख लो ऐसे है, और ये एंट्रेंस था उस गाँव का, ठीक है, बड़ी इजीली एंट्रेंस हो गई भाई हमारी तो। कोई रोक टोक नहीं है भाई अपने लिए, क्योंकि हम टॉप पे हैं।
बाकी भाई ये देख लो उसी गेट का ना पीछे से व्यू है कुछ ऐसा। आओ बाबू पास आके दिखाते हैं इनको थोड़ा, ये देखो कुछ ऐसा व्यू है भाई पीछे से पूरा। ये तो वो है जो नेचुरली पहले के टाइम पे था, आगे से रेनोवेट करा है, पीछे से कुछ रेनोवेट नहीं करा अभी इसको। और ये जहाज जा रहा है एरोप्लेन, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, आपको नहीं दिखेगा, ऊपर से बादल ही बादल है उसके आगे। तो ये देख लो भाई मेन तो अपना फोकस है कि यहाँ पे थोड़ा पैदल वैदल खड़े रहे हम यहाँ पे, ताकि अगर कोई स्पिरिट है तो हमसे कुछ पूछे, हमको कुछ बताए। फिर गाड़ी से भी राउंड मारेंगे, ऐसी बात नहीं है, गाड़ी से भी राउंड मारेंगे, क्या पता गाड़ी देख के रोक ले हमें। अरे ये क्या है, बीड़ी माचिस, बीड़ी माचिस, बीड़ी तो नहीं है, कैंडल है, कैंडल जलाते हैं। अच्छा 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 ये क्रिश्चियंस का वो है ना, ओके ओके कोई बात नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस बात से एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी स्टोरी नहीं होती या कुछ नहीं होता ना, तो ये सब कैंडल वैंडल कोई नहीं जलाता ऐसे नॉर्मल गेट पे, समझ रहे हो। तो गाइस खड़े हैं अभी इसी गेट के नीचे, ठीक है, और हम ही पूछ लेते हैं, भैया हाँ दरबार कर रहा है भाई चेकिंग, हमें नहीं बुलाया किसी राजा ने, अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से जाएंगे। तो देखो भाई साहब थोड़ी देर तो यहीं पे खड़े हैं, बाकी अच्छा थोड़ी देर छोड़ो, पहले एक बार ना गाड़ी से भी जाके देखते हैं, क्या पता गाड़ी में जाने में हाथ दे दे भाई साहब के, नहीं गाड़ी नॉट अलाउड, तुम पैदल जा सकते हो, गाड़ी नॉट अलाउड, गाड़ी से भी जाके दिखा देते हैं एक बार। चलो तो गाइस चल दिए अब गाड़ी लेके, पैदल तो आपने देख लिया था, तो ये रहा गेट, तो अब एंट्री ले रहे हैं, देखते हैं कोई रोकता है कि नहीं रोकता, और हम जा भी एकदम आराम आराम से रहे हैं, बिल्कुल आराम से। और मैंने शीशा खोल लिया कि किसी को हाथ देना हो तो हाथ दे देना भाई, क्या शीशे के अंदर से हाथ दे देना, मतलब खिड़की के अंदर से हाथ दे देगा, मतलब भाई रोक लेना कोई होता ना पूछता है। देख लो भाई एंट्री तो ले ली है, आगे थोड़ा सा जो फोर्ट वाला पार्ट था वहां तक चल लेते हैं, क्या पता वहां पे कुछ स्पिरिट ऐसे वॉक करने गई हो थोड़ा आगे। और वो जो आपको दिखाया था ना सेमिनार की, हाँ। दिन में ये सेमिनार की वर्ड भूल गए थे हम आज, वो देख लो ये रहा लेफ्ट में, यही है वो जो स्कूल है जहाँ पे किसी को फादर बनना होता तो ट्रेनिंग दी जाती है पूरी प्रॉपरली, ये है वो। और एशिया का सबसे बड़ा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि एशिया का सबसे बड़ा ये हमारे इंडिया में, बाबा प्राउड वाली बात है। बाकी आप रोड देखो, ये वही रोड है, वो गेट जहाँ से एंट्रेंस लिए ना, ये वही रोड है, और पूरी की पूरी रोड ये इसी टाइप की है, रात में कोई भी नहीं आता यहाँ पे। अभी आगे से ना यू टर्न लेंगे, यू टर्न लेके फिर से उसी गेट से बाहर निकलेंगे, और फिर एक दो राउंड ले लेंगे, फिर एंट्री लेंगे, फिर एग्जिट करेंगे, ताकि चार पांच बार घूमे ना तो लगे आपको भी कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ सकते हो, सिर्फ अफवाह है। तो देखता हूँ मैं आगे से घुमाता हूँ गाड़ी, कहीं से यहीं से घुमा देता हूँ, चालू रखियो भाई तू वीडियो। तो यू टर्न मार लिया है, फिर से जा रहे उसी गेट की तरफ, और काफी पतली रोड है इसलिए यू टर्न मारने में ना दो तीन बार आगे पीछे करनी पड़ती है गाड़ी को। बाकी आप देखो नजारे इस रोड के, थोड़ा सा भगा के चलता हूं यार, ज्यादा बातें करना सही नहीं है, फटाफट से लोकेशन पे पहुंचते हैं ना उसी पे। ये देख लो ये आ गया वो सेमिनार की, सेमिनार की एशियाज बिगेस्ट इन इंडिया इन गोवा प्राउड फील। ये आ गया वो गेट, इसमें क्या कर रखा है, दो रोड बना रखी है कि एग्जिट करना हो तो इधर लेफ्ट वाली से कर लेना, ये ठीक है, गवर्नमेंट ने ये काम ठीक कर रखा है।
अच्छा ये देख लो, हमने गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर रखी थी, पीपल इसके बरगद के पेड़ के नीचे, देख रहे हो? मतलब बंदे तो ना वैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे नहीं जाते रात को, हमने तो भाई गाड़ी भी यहीं नीचे खड़ी कर रखी थी। तो यार अब दोबारा जा रहे हैं एंट्री करने, देखते हैं कोई हाथ देता नहीं देता, तो बस पहुंचने वाले हैं। जस्ट सामने ही है, अब आप हमारी शक्ल देखो सामने का, हम बताते हैं आपको क्या सिस्टम है। गेट के पास पहुंचने वाले हैं, बस 20 मीटर लेफ्ट पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये स्पीड धीरे कर रहा हूं, अगर आपको बाहर का दिखाई दे तो एक बार मारिए इधर शीशे में से, इधर 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 दिखा मुझे दिखा। ये देखो, तो ये देखो दिख गया ना ये गेट। सो ऐसा ही है, एंट्री ले रहे हैं फिर से एक बार यहाँ पे, क्योंकि तो ऐसा ही है, फिर से एंट्री ले लिया यहाँ से। अब ये ऐसे सामने से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भाई सिर्फ रोडी रोड दिखाते रहे, रोडी रोड दिखाते रहे तो उसमें ना आपको मजा आएगा, एटलीस्ट इसमें अपन फेस टू फेस बात तो कर सकते हैं। और ये भाई ये कैमरा ना भाग रहा है इधर। अब भाई गाड़ी चलेगी तो कैमरा गिरेगा, ये नॉर्मल सी बात है। ये देख अपना एक हाथ लगा लेना उधर की तरफ, अभी लंबा लग रहा है। हाँ ऐसे लगा ले बस अपना एक हाथ, अब सही है। ये रोड यार, ये रोड पता है क्या है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है वो, ठीक है। लेकिन ना यहाँ पे पता नहीं क्यों, मतलब जो नॉर्थ गोवा वाला सीन है, फुल नाइट लोग घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, वहां पे कोई हॉन्टेड नहीं मिली ऐसी जगह, ठीक है। यहाँ पे इतना सुनसान सा हो जाता है एरिया कि ना चाहते हुए भी अफवाह फैल जाती होंगी। सही कह रहे हो, और लोग कम है काफी, जगह ज्यादा है लोग कम है। गोवा यार इस चीज में अच्छा लगा। हाँ, और पॉल्यूशन फ्री है, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है। मतलब हम दिल्ली से आए ना, हमें तो लगना ही है, पर रियली में आराम से हरा भरा, साफ सुथरा, पॉल्यूशन फ्री, डर्ट फ्री, और क्या बोलूं, और अल्कोहल फ्री तो नहीं है। हाँ। अल्कोहल तो दबा के है यहाँ पे, क्योंकि सस्ता इतना है भाई। रोड पे घूम रहे हैं, हॉन्टेड रोड पे, यही हॉन्टेड रोड वाली बात कहाँ चली गई, हॉन्टेड वीडियो बनाने आए क्या बता रहे हैं अल्कोहल फ्री। असल में भाई ऐसा ही सिस्टम है, अपने को भूत भूत ना हम मानते हैं, आप में से भी मैक्सिमम लोग अब मानना बंद कर चुके होंगे। और तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली में कोई मानता हो तो उसको वीडियो दिखाओ और बोलो कुछ नहीं होता है, ये जगह सर्च कर लेना गूगल पे। हाँ। रचोल विलेज, या लिख लेना टॉप हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ गोवा, नाम आ जाएगा रचोल विलेज, और ये जो पीछे गेट दिखाया था ना उसकी फोटो फोटो आ जाएगी अच्छे से पूरे गूगल पे। अभी फिर यूटर्न मार लेते हैं एक बार, आपकी बार रोड से दिखा दियो भाई, फिर कुछ न्यू दिखाओ इनको, फिर रोड दिखाओ। तो भाई फिर से यूटर्न मार लिया है, और स्पीड देख लो आप, एकदम 10 की स्पीड पे चला रहा हूँ मैं गाड़ी को, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि फटाफट बस राउंड मार रहे हैं और भाग रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, अपने एकदम तसल्ली से चल रहे हैं और तसल्ली से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका हमें यहाँ पे, ठीक है। वहाँ उस क्या बोलते हैं उसको, गेट, गेट के नीचे भी खड़े हुए थे थोड़ी देर तक, आपको दिखाया अच्छे से, और देख लो भाई रोड से भी राउंड मार रहे हैं कि कहीं अगर गेट पे नहीं तो यहाँ पे आसपास कहीं गांव में कुछ दिख जाए, पेट्रोलिंग करता हुआ मिल जाए। हाँ जैसे हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं अब तो उसके लिए। अभी देख लो ये आप, ये बस ये तीन चार अपने कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा रोड पे, बहुत शरीफ है। और ये कुत्ते भी ना देख लो, ये कुत्ते भोग नहीं रहे, जो सारे लोग कहते हैं ना भूत होता है तो कुत्ते भोगते हैं, ये भोग क्यों नहीं रहे फिर, कहाँ है भूत, इसका मतलब नहीं है भूत यहाँ पे, यहाँ पे कहीं नहीं है भूत। और जो ये लॉजिक है ना, भूत होता है तो कुत्ते भोगते हैं, ये सबसे गलत है, ये इनको भूख लगती है या इनको लगता है ना कि कोई चोर वोर है तब ये भोगते हैं, जब इनको कुछ गलत दिखता है, जरूरी नहीं है भूत दिखता है तो ही भोगते हैं। बाकी देख लो ये आ चुका अपना वही सेमिनार की फिर से एक बार, और इसके खिड़की में ऐसा लग रहा है जैसे कोई झांक रहा हो, देखियो है ना, लेकिन कुछ रखा है, वो रखा हुआ वो मैंने देख लिया था पहले राउंड में ही देख लिया था मैंने, पूरी शेप ही होती, पूरी शेप थी परफेक्टली। अब ये देख लो भाई आप, स्पीड एकदम धीरे है, टेंशन मत लो, धीरे धीरे चल रहे हैं रोड पे, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखो, आपको कोई दिखाई देता हो रोड पे या सुनाई देती हो कोई आवाज, एक काम करते हैं जहां से एंट्री लेते हैं ना वहां से एग्जिट करता हूं अबकी बार, क्या पता हम कुछ गलत करें तो वो अपने को रोक टोक ले। यहां से एंट्री करते हैं, यहां से एग्जिट मार रहा हूं मैं, एग्जिट वैसे वहां से मारना होता है लेकिन यहां से मारते हैं इस बार।
आजा भाई रोक ले, ओए गार्ड सोल्जर दरबारी, ये पढ़ लो ये। थैंक यू, नाइस टू हैव यू अगेन, बाय ऑर्डर सरपंच, नीचे देख लो वीपी रचोल, ठीक है ना, रचोल गांव के सरपंच ने बोर्ड लगवाया है, आगे से ये रचोल गांव खत्म हो जाता है, पीछे जहां जहां हम यूटर्न मार के आ रहे हैं ना, वहां वहां से ये पूरा रचोल गांव है, ये अब यहां पे शायद कोई और गांव पड़ता होगा। लो भाई, इतने राउंड मारने के बाद एक बार फिर से उसी गेट के नीचे आ चुके हैं, और आज हम ड्यूटी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, आज तो ऐसा लग रहा है उसकी ड्यूटी हम पूरी कर रहे हैं यहाँ पे, पेट्रोलिंग कर रहे हैं गेट और पे खड़े हैं। ड्यूटी का कंक्लूजन बता देते हैं यहाँ पे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं जाने दिया हमने, राजा ने जब तक नहीं बोला हमने जाने नहीं दिया किसी को यहाँ से। तो यार खत्म करते हैं वीडियो को, यार कर दे खत्म, खत्म करते हैं, लाइक शेयर, पहले कमेंट या शेयर, कमेंट, चल पहले कमेंट कर दो जाके, बाय बाय।